नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि जब भी कोई ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है तो वहां से जब उसे यार्ड में ले जाकर रखा जाता है और दूसरी राउंड के लिए जब वो आने को तैयार रहती है तो क्या हम उस यार्ड में जाकर जनरल जो कोच है उसमें अपनी सीट को छेका सकते हैं कि नहीं, मतलब कि वहां पर अपने सीट को जो है कैप्चर करके उसी में बैठकर वापस स्टेशन पे आ सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होता है। और ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए कि स्टेशन पे भीड़ ज्यादा है और आप सोच रहे होंगे कि जब ट्रेन यार्ड में खड़ी है तो वहीं पर जाकर उस ट्रेन में हम बैठकर पहले से ही अपने सीट को रोक कर तब यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आए। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको रेलवे परिचालन को समझना होगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो, फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी कोई ट्रेन अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी तो वहां पर पहुंचने के बाद उस ट्रेन के साथ दो चीजें होती है। पहली कंडीशन ऐसी कि वह ट्रेन जो है ऐसे रेलवे स्टेशन पर उसका डेस्टिनेशन हो जहां पर वो जो रेलवे स्टेशन हो उसका मेंटेनेंस स्टेशन हो, मतलब कि वहां पर पहुंचने के बाद उस ट्रेन के कोच में कुछ माइनर जो मेंटेनेंस है उन्हें किया जाना हो। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि जब वो ट्रेन वहां पर पहुंचेगी तो उसमें शंटिंग लोकोमोटिव को लगाकर उसे जो है पीट लाइन पर ले जाया जाएगा जहां पर उस ट्रेन को खड़ा करके उसमें जो है लाइट, पंखे, ब्रेकिंग वगैरह या फिर कोच में कोई विंडोज वगैरह या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो इन सारे जो है प्रॉब्लम को वहां पर CW जो है डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा जो है उसके अंडर में सारी चीजों की मेंटेनेंस करी जाएगी और उसके बाद ही वहां पर उसकी सफाई वफाई करके तब वहां पर उसके डोर वगैरह को लॉक करके और उसे जो है फाइनल अपने राउंड के लिए प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। तो अगर ऐसी कोई रेलवे स्टेशन हो और वहां पर आप चाहें कि हम वहां से पकड़ कर ट्रेन को आए तो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां जब वो डिपो में जाएगी तो वहां पर अंदर जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए। आप ऐसे यूं ही वहां पर नहीं पहुंच जाएंगे और वो जो बाउंड्री के अंदर में रहेगा सारी चीजें वहां निगरानी में होती है तो आप वहां पर नहीं पहुंच सकते। जब ट्रेन वो जो है प्लेटफॉर्म पर आएगी तभी आप जो है ट्रेन को पकड़ सकते हैं। दोस्तों, दूसरा रेलवे स्टेशन ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि किसी ट्रेन का मेंटेनेंस स्टेशन ना हो, तो ऐसे में जो है अगर किसी रेलवे स्टेशन पर लाइन खाली हो तब तो ट्रेन को वहीं पर खड़ा कर दिया जाता है और जो है कुछ देर के बाद, मान लीजिए 2-4 घंटे 5 घंटे के बाद जब वो नेक्स्ट जो है राउंड के लिए तैयार होती है तो वहीं पर खड़ी रहती है। लेकिन हाँ, इस कंडीशन में भी उसके सारे डोर वगैरह को लॉक कर दिया जाता है, उसके विंडो वगैरह को लॉक कर दिया जाता है। इस दौरान जो है रेलवे यहाँ सेफ्टी के लिहाज ऐसा करती है, आप उसमें नहीं घुस सकते जब तक कि किसी रेलवे कर्मचारी के द्वारा उसके डोर को ना खोला जाए। तो दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए कि ट्रैक्स जो है वहां पर ऑक्यूपाइड है, पहले से ट्रैफिक ज्यादा है, तो वहां पर ट्रेनों को प्लेटफॉर्म पे ना खड़ा करके लूप लाइन पे खड़ा किया जाता है और आप सोचे कि हम वहां से जो है बैठते हुए आ जाए अपने सीट को रोक कर, तो दोस्तों वहां भी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो जो है लूप लाइन पे खड़ी होगी तो उसके सारे डोर को लॉक कर दिया जाता है, सारे विंडो को लॉक किया जाता है। जब वहां पर ट्रेन आती है, आने के बाद कोई रेलवे कर्मचारी किसी एक बोगी को खोलेगा और धीरे धीरे करके तब पैसेंजर उसमें जाते हैं और अंदर से सारे कोच को खोलते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें जो है सारे ट्रेन को लॉक करके कोच को रखा जाता है। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यार्ड में अगर ट्रेन खड़ी हो और उसमें कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, कोई बल्ब को चोरी कर ले, कोई पंखे चोरी कर ले, कोई जो है कुछ भी कर सकता है कोच में, कुछ ऐसी चीजें उसमें रख दे जो कि आगे चल के पैसेंजर को प्रॉब्लम कर सकता है, तो इन सभी सुरक्षा के लिहाज से जो है सारे जो कोच को लॉक कर दिया जाता है। ऐसे में आप पहले वहां पहुंच कर उस ट्रेन में नहीं बैठ सकते हैं जब तक कि वो प्लेटफॉर्म पर आकर न खड़ी हो जाए। हाँ दोस्तों, ऐसा कभी कभी होता है कि जो है कोई कोच खुला छूट गया हो, ऐसे में कुछ लोग होते हैं कि यार्ड में जाकर वहां से आ जाते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब प्लेटफॉर्म लाइन के बाहर आप जाएंगे तो देखेंगे वहां पर बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं। ऐसे में किस ट्रैक से कौन सी ट्रेन आ रही है और अगर आप यहाँ पर ट्रैक्स को जो है बिना ओवर ब्रिज के इधर से उधर जाने की कोशिश करेंगे, कोई ट्रेन आ जाए तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ऐसे में ये चीजें करने की कभी कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा कभी होता भी है, डोर खुले भी है, तब भी आप वहां पर जाने की कोशिश मत कीजिएगा। जब ट्रेन प्रॉपर जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ जाए तभी आप उसे पकड़िए ताकि आपकी यात्रा जो है सुरक्षित हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।